राजनीति वो चीज है जो दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना देती है। कभी कभी ये प्रतिद्वंद्वी को दोस्त और उस दोस्त को दुश्मन और उसके बाद उस दुश्मन को दोस्त और फिर दोस्त को प्रतिद्वंद्वी बना देती है। कुछ ऐसा ही उदाहरण गेस्ट हाउस कांड है। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने कभी मिलकर सरकार बनाई थी और इस कांड के कारण दोनों कट्टर दुश्मन बन गए। मोदी लहर को थमने के लिए ढाई दशक बाद फिर दोस्त बने, लेकिन सफलता न मिलने के कारण वापस अलग हो गए। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एक गेस्ट हाउस कांड है क्या। आज इस घटना को भले 27 साल हो चुके हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का ये अध्याय कभी पुराना होने का नाम नहीं लेता। अप्रैल 2019 में लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार प्रसार जोरों पर था। तब सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती का मैनपुरी में एक मंच पर आकर एक दूसरे की प्रशंसा करना एक बड़ी खबर बन गई, क्योंकि 90 के दशक के मध्य की वो घटना लोगों के जहन में अब भी है। दरअसल 90 के दशक का शुरुआत वो समय था जब राम मंदिर के लिए आंदोलन अपने चरम पर था और उत्तर प्रदेश की राजनीति में भाजपा ने शीर्ष स्थान बनाया हुआ था। 1993 में भाजपा को रोकने के लिए मुलायम सिंह यादव की सपा और कांशीराम की बसपा से गठजोड़ किया। तब मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए, जय श्री राम वाला नारा भी इन दोनों दलों ने उछाला था। उत्तराखंड तब उत्तर प्रदेश से कटकर अलग नहीं हुआ था और सीटों की संख्या 422 हुआ करती थी। जहां सपा ने 256 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, बसपा ने 164 सीटें अपने हिस्से में पाई। चुनाव में इस गठबंधन की जीत हुई। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए दोनों दलों के बीच ढाई ढाई साल की सहमति बनी। विधानसभा में सपा को 109 और बसपा को 67 सीटें मिली थी। ऐसे में पहले मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन मनमुटाव के कारण 2 जून 1995 को बसपा ने समर्थन वापसी की घोषणा कर दी, जिससे मुलायम सिंह यादव की सरकार गिर गई। लखनऊ के मीराबाई मांग गेस्ट स्टेट गेस्ट हाउस का कमरा नंबर 1 उस समय मायावती का ठिकाना था। सरकार का अल्पमत आना सपा वालों को रास नहीं और पार्टी के विधायक अपने कार्यकर्ताओं के साथ मायावती जहां ठहरी थी वहां कूच कर कमरे में बैठकर अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही मायावती को घेर लिया गया और उन पर हमला कर दिया गया। दोपहर के 3 बजते समाजवादी पार्टी के नेताओं ने वहां अपना कब्जा जमा लिया। समाजवादी पार्टी के नेता चिल्ला चिल्ला कर मायावती को काफी कुछ कह रहे थे। बसपा विधायकों ने उन्हें रोकने की कोशिश तो उन पर ही लात घूंसे बरसने लगे। 5 बसपा विधायकों को घसीटते हुए गाड़ी से मुख्यमंत्री आवास ले जाया गया। मारपीट कर कईयों के कोरे कागज पर ही हस्ताक्षर करा लिए गए। रात भर उन्हें बंदी बनाकर रखा गया। वरिष्ठ बसपा नेता आरके चौधरी के साथ मारपीट, वो किसी तरह कमरे में बंद। कुछ एक पुलिसकर्मियों को छोड़ दें तो पूरा पुलिस प्रशासन सपा के साथ खड़ा। अतिथि गृह की बिजली पानी की सप्लाई काट दी गई थी और तत्कालीन लखनऊ SSP आराम से अपनी सिगरेट फूंक रहे। मुख्यमंत्री कार्यालय की धमकी थी कि बल प्रयोग न किया जाए। जिला मजिस्ट्रेट ने इसके खिलाफ विरोध जताया तो आधी रात में उनका तबादला कर दिया गया। यही वो घटना थी जिसने मायावती और मुलायम को जानी दुश्मन बना दिया था। भाजपा और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। मायावती और उनके साथी नेता कमरे से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। ऐसे में उन्हें बार बार यकीन दिलाना पड़ा कि अब खतरा टल गया है। आज दलितों की बात करने वाली समाजवादी पार्टी तब एक दलित नेता पर हमले को लेकर चुप रहती है। सपा के लोगों ने मायावती के साथ मारपीट की और उनके कई तरीके के साथ दुर्व्यवहार किया। एक महिला की आबरू से खुलेआम खिलवाड़ किया गया। मायावती को एक कमरे में बंद कर दिया गया। ऐसे में उन्मादी भीड़ के बीच भाजपा के विधायक और RSS से जुड़े रहे ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया और वहां पहुंचकर मायावती को गुंडों से बचाया। दबंग नेता की छवि वाले ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं को पीछे हटने के लिए मजबूर किया। इसी घटना के बाद से मायावती उन्हें अपना भाई मानने लगी और उनके खिलाफ कभी बसपा ने अपने उम्मीदवार नहीं खड़ा किए। ब्रह्मदत्त द्विवेदी चूंकि प्रशिक्षित संघी थे, उन्हें लाठी चलाना और लाठी की कलाबाजियां भी बखूबी आती थी, जिनका उन्होंने सही समय पर इस्तेमाल किया अपनी जान पर खेल। हमेशा भाजपा के खिलाफ रही मायावती ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लिए चुनाव प्रचार तक किया। ये भी जानने लायक है कि ब्रह्मदत्त द्विवेदी की 10 फरवरी 1997 को हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी और सपा के पूर्व विधायक विजय सिंह का नाम सामने आया था। दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि निचली अदालतों के चलते चलते ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मायावती इस हत्याकांड के बाद फूट फूट कर रोई थी। 1977 और 1985 में फरुखाबाद विधानसभा से जीत दर्ज करने वाली द्विवेदी ने 1991, 93 और 96 में वहां से हैट्रिक भी लगाई थी। उस हत्याकांड से उनके अंगरक्षक ब्रज किशोर तिवारी की भी जान चली गई थी। उनकी हत्या के बाद भाजपा ने उनकी पत्नी प्रभा द्विवेदी को फरुखाबाद से उम्मीदवार बनाया था। तब मायावती ने ब्रह्मदत्त द्विवेदी को शहीद बताते हुए उनके लिए लोगों से वोट डालने की अपील की। 2017 में भाजपा ने उनके बेटे मेजर सुनील दत्त त्रिवेदी को टिकट दिया और वहां से ये जीत कर विधायक बने। ब्रह्मदत्त राम मंदिर आंदोलन में भी सक्रिय थे और 1971 में वार्ड संख्या 6 से सभासद चुने जाने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, सपा के वरिष्ठ नेता धनीराम वर्मा, मोहम्मद आजम खान और बेनी प्रसाद वर्मा जैसे लोगों के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए गए। फोटोग्राफर्स की कई तस्वीरें बतौर सबूत पेश की गई। CBCID ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली। सरकार
सरकारें बदलती रहीं और ये मुकदमा लंबा खींचता रहा। लेकिन 2019 में मोदी लहर को रोकने के लिए जब दोनों नेता साथ आए तो मायावती ने मुकदमे वापस ले लिए थे। हालांकि इसके बावजूद 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों को अच्छे परिणाम नहीं मिले। हाँ, बसपा जरूर 2014 के 0 से 10 पर पहुंच गई, लेकिन सपा 5 की 5 पर ही अटकी रह गई। भाजपा ने फिर से 62 सीटें अपने नाम की। परिणाम ये हुआ कि सपा बसपा का गठबंधन, जिसे राजनीतिक प्रतिद्वंदी बुआ बबुआ भी कहते हैं, टूट गया। अक्टूबर 2020 में बबुआ ने बुआ को धोखा देते हुए बसपा के 7 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में मिला लिया। गेस्ट हाउस कांड में जिस तरीके के नारे लग रहे थे, उनके चरमकार समाज के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हुए ये पागल हो गए हैं, हमने उन्हें सबक सिखाना होगा, जैसे आपत्तिजनक नारे भी थे। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।